जवान है जिंग जिंग तो गाइस 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 गुड न्यूज ऑन द वे एंड ये थोड़ी देर पहले एक डेढ़ घंटे पहले मैसेज आया है, पता चला कि जो VFX के आर्टिस्ट वगैरह बहुत लोगों को इनवाइट किया था रेड चिलीज की तरफ से एंड वो विजुअल्स वगैरह करने के लिए, तो वो सब कुछ का मेन रीज़न यही था कि ये पूरा का पूरा जो पोस्ट प्रोडक्शंस का काम चल रहा है उसको इतना पावरफुल तरीके से इतना स्पीड पकड़ा दिया है कि वो मतलब वो जल्द से जल्द ख़त्म होने का सीन पकड़ हो गया है वो लगभग, और फुल प्रेशर इसी चीज़ का है कि टीज़र को जल्दी लेकर आया जाए। ये सब कुछ अभी पता चला है, ये सारा जो हो रहा है ये सब कुछ VFX का जो हो रहा है, एक तो आउटसाइडर टैलेंट्स ले रहे हैं वो लोग, वो एकदम करेक्ट चीज़ है, तभी वो VFX डिपार्टमेंट नंबर वन है इंडिया के अंदर। लेकिन ये सारा चीज़ ये सब कुछ जो अभी रिसेंटली में हंगामा हुआ है ये इसीलिए हुआ है कि मूवी को ख़त्म करने का फुल प्रेशर है और ये लोग जो फैला रहे थे पोस्टपोन और मैं शुरू से बोल रहा था भाई पोस्टपोन नहीं होगी ये फिल्म। और इस फिल्म के रिलेटेड जो मेरा न्यूज़ है वो तो कितना खतरनाक है वो पता चल ही गया लास्ट 10-12 दिन में। तो जेन्युइनली मैं बताता हूँ कि अभी जो सीन चल रहा है उसके हिसाब से ये सारा प्रेशर जो भी ये सब कुछ होने के हिसाब से एक ही चीज़ पकड़ के चलो, मान कर चलो कि ये फिल्म का टीज़र 21 तारीख को ही आएगा गाइस, 21 अप्रैल को ही इस फिल्म का टीज़र आएगा। क्यों? बिकॉज अभी भी यही बात चल रही है कि पोस्ट प्रोडक्शंस ख़त्म होंगे तो हम लोग एडिटिंग कटिंग शटिंग सब स्टार्ट करके, बिकॉज टीज़र का ड्राफ्ट नहीं निकला, अगर निकला होता तो अब तक मेरे को पता चल चुका होता। टीज़र का ड्राफ्ट रेडी भी नहीं हुआ है, स्टार्टअप भी नहीं किया गया, वो एडिटिंग में भी नहीं गई है, पूरा का पूरा फोकस इसी चीज़ में कि फिल्म को ख़त्म करो, फिल्म को जितनी जल्दी हो सके ख़त्म करो। परसों भी शूटिंग चालू हुई है मुंबई में, संजय दत्त का जो कैमियो अपीयरेंस है गेस्ट अपीयरेंस है वो शूटिंग वहाँ पर चालू हुई है, और वो सारी चीज़ें साइमल्टेनियसली फुल प्रेशर के साथ VFX के साथ इस फिल्म को ख़त्म करने का प्रेशर दिया गया है। और ये चीज़ अभी पता चली है, ये सब कुछ क्यों किया जा रहा है, ताकि फिल्म का टीज़र जल्द से जल्द निकाला जाए। जल्द से जल्द का इन द सेंस एक सिंपल रीज़न होगा, ये 21 अप्रैल यानी कि ईद में ही इसका टीज़र ईद में आएगी। उसके बाद सॉन्ग्स वगैरह वो मेरे को नहीं पता, टीज़र ईद में आएगी और ट्रेलर सेम टू डिटो ये पठान स्ट्रेटेजी होगा, मिड मई में इसका ट्रेलर आएगा, 21 तारीख को ईद के दिन इसका टीज़र आएगा। ट्रेलर ईद के दिन नहीं आएगा गाइस, ये लोग जो बोल रहे हैं ये थोड़ा लेट नहीं हो जाएगा, भाई ऐसा कुछ नहीं है, पोस्ट प्रोडक्शंस का काम चल रहा है, टीज़र का एडिटिंग अगर काम चालू होता तो पक्का पता चलता भाई को, लेकिन एज ऑफ नाउ वो पूरा का पूरा प्रेशर वो लोग इसीलिए दे रहे हैं कि जल्द से जल्द ये काम खत्म हो, सारे सीन्स को क्लैप करके वो लोग कटिंग शटिंग करके जितने हो सके एक टीज़र तैयार करके रेडी करके, एक ऑफिशियल टीज़र फिल्म के विजुअल्स के साथ वो रेडी करके पब्लिक को दे और पूरा का पूरा मार्केट हिला कर रख दे। बिकॉज उसमें जो लुक्स है वो लुक्स के बारे में तो मतलब सोचना ही मतलब अलग लेवल का लुक्स है। अभी तो किसी ने वो लीक किया है, वो भी वो मेरे कांड के अगले दिन ही हुआ, वो कैसा हुआ नहीं पता, वो लीक किया तब तो कम से कम एक लुक लोगों को पता, नहीं तो वो भी पता नहीं चलता। उसके अलावा भी खतरनाक लुक्स है फिल्म के अंदर, मतलब शाहरुख खान मतलब फाड़ दिया है, उस बंदे ने फाड़ दिया है एनर्जी में, मतलब उस लेवल का मास स्कल्पचर्स होते हैं उस लेवल पे जो इस फिल्म को डिज़ाइन किया गया है, मतलब उसके लाइफ का करियर का सबसे मासी फिल्म यही फिल्म होने वाला है, सबसे मास फिल्म मॉन्स्टर फिल्म, मैं बोल रहा हूँ ना मॉन्स्टर फिल्म, इससे खतरनाक मेरे को मास फिल्म के जॉनर में अगर देखा जाए तो शाहरुख खान की करियर का सबसे मास फिल्म एकदम, मतलब वो टाइप की फिल्म में मेरे को सबसे करियर का सबसे बेस्ट फिल्म रईस लगता है। लेकिन टूट जाएगी भाई, वो रिकॉर्ड टूटनी तय, मान कर चलो वो रिकॉर्ड टूटनी तय। तो टीजर 21 अप्रैल को ही आना है, 90% पकड़ के चलो, क्योंकि जो मेरे को सुना है मैंने आपको बताया उस हिसाब से आप खुद ही प्रेडिक्शन लगा रहे हो। अभी करेक्टली एक महीना बचा है, ये एक महीने के अंदर एक से लेकर दो मिनट के बीच का एक टीजर तो तैयार है, लोग करेंगे बिकॉज एक
बहुत ही वो एक मोन्यूमेंटल डे होगा जिसके साथ वो कभी किसी का भाई किसी की जान के प्रिंट के साथ वो लोग अटैच करके थिएटर में लगाएंगे, और वो मतलब वो अलग ही लेवल का ऑलरेडी बस क्रिएट कर चुके उस टाइम, और बस क्रिएट करेंगे, एक सरप्राइज मिलेगा ईद के दिन, ये पकड़ के चलो। क्योंकि जो सुनने में है उसके बाद तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, आराम से बैठो, टीजर ऑन दी वे, टीजर ऑन दी वे, बस पोस्ट प्रोडक्शन जल्दी ख़त्म हो जाए, फुल प्रेशर लगाया गया है, 24/7 काम हो रहा है वहाँ पे, शूटिंग अलग से शेड्यूल बन रही है और VFX पोस्ट प्रोडक्शन का काम अलग से शेड्यूल पे बन रहा है, तो दोनों ख़त्म होगा टीज़र आ जाएगा गाइस। टीज़र को बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन लगते हैं, क्योंकि जब पठान की टीज़र आई थी मैंने रन टाइम बताया था उस टीज़र का, उस टाइम पे भी बंदे ने यही बोला था कि भाई टीज़र का काम सिर्फ और सिर्फ 12 दिन पहले हुआ, यानी कि 2 हफ्तों के अंदर टीज़र को रेडी किया गया, टीज़र को मतलब जो जो रिव्यू करते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लिया गया था और थोड़े से चेंजेस करके टाइम लिया, बाकी टीज़र कंप्लीट सिर्फ 12 दिन के अंदर हुई थी वायरफ की, पठान की टीज़र। याद करो रन टाइम मैंने कब टीज़र के रिलीज़ के 7 या 8 दिन पहले दिया था, बिकॉज उस टाइम लगभग टीज़र का मतलब एक ड्राफ्ट रेडी हो चुका था। तो सीन यही है कि टीज़र बनाने के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि फिल्म का पोस्ट प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, वो ख़त्म होगा टीजर आ जाएगी, टीजर फेंक के मारेगा बंदा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो सबसे लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए।